सॉरी सॉरी। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे उसी रेस्टोरेंट में चला था ना जहाँ पे हमेशा जाते हैं। अरे नहीं यार, वो भैया ने कहा था कि वो तुमसे यहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर शांति होती है ना, इसलिए। यार तुम्हें तो पता नहीं, आउट ऑफ स्टैंडर्ड है मेरे लिए। अजीब सा लग रहा है यहाँ पर मुझे अभी। यार बट तुम समझो ना कि उन्होंने बोला है पार्क में, इसलिए मैं तुम्हें पार्क में ही ले आई। चलो अब यहाँ बैठे कहाँ, यहाँ तो जगह भी नहीं बैठने की। बेंच पे बैठते हैं किसी। चलो भैया चाय दे दूँ क्या? सॉरी भाई लेकिन ऐसे चाय भाई नहीं पीता मैं कहीं की। अरे अरे पी लो ना, चाय अच्छी होती है इसकी। नहीं यार तुम्हें तो पता ही है ना यार, मैं वैसे ही इरिटेट हो रहा हूँ यहाँ पर, तुम चाय पिला रही हो यहाँ पर इतनी गर्मी में। भैया एक बार पीकर देखो, बहुत अच्छी चाय है। अरे मैं भी कभी कभी ट्राई करती हूँ, तुम ट्राई कर सकते हो, अच्छी चाय है। भैया बहुत अच्छी चाय है, एक बार पी के तो देखो। तुम्हें तो पता है यार मैं नहीं पीता यहाँ की। अरे बस एक कप पी के देखो, नहीं अच्छी लगेगी तो तुम मत पीना। पिलाओ। सॉरी सॉरी बेवकूफ, ये क्या किया तूने हैं? अबे 6,000 की शर्ट थी ये जो तूने खराब कर दी, इतना तू महीने में कमाता भी नहीं होगा, समझा? ये अनपढ़ लोग कहाँ कहाँ से। तो हर्षित हर्षित रिलैक्स, गलती से गिर गई होगी ना चाय, और तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, वो इतनी धूप में काम कर रहे हैं यार सुबह से। अरे क्या रिलैक्स यार, ये शर्ट खराब कर दी इसने मेरी, इतनी महंगी शर्ट थी, ये जाहिल अनपढ़ गवार इसे, इसको तो। और तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी ना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे यहाँ नहीं लाना। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये तो बहुत छोटी चीज है। छोटी चीज है ये, 6,000 की शर्ट इसने खराब कर दी, छोटी चीज है। हर्षित चाय ही तो गिरी है, ये वॉश हो जाएगी, इट्स ओके। सर मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा बुखार सा, इसलिए मेरा हाथ कांप रहा था तो गलती से चाय गिर गई। अरे तो घर पे बैठ के आराम करना, यहाँ लोगों का नुकसान करने क्यों आया है? तुझे पता है मेरा कितना इंपॉर्टेंट दिन था आज का? अरे इसके भैया से मिलने के लिए आया था मैं यहाँ पर इस पार्क में, और तूने मेरा। सर घर पे बैठने का मन ना मेरा भी करता है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो मैं काम कर रहा हूँ। तू ना चुप हो जा। इनफ हर्षित, चाय ही तो थी, अगर गिर गया तो इसमें इतना इशू क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं है। भैया आप जाओ, इट्स ओके। साक्षी प्लीज, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दो कोड़ी के लोगों को ये नहीं पता था कि हमारी टाइम की वैल्यू कितनी होती है। और इस शर्ट में तुम्हारे भैया से शादी की बात मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे हर्षित इट्स ओके, तुम घर से थोड़ी ना इन कपड़ों में आए थे, जो हुआ मेरे सामने हुआ, और तुम इतना ओवर क्यों हो रहे हो इन सब चीज़ों में? और वैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारे बिहेवियर और नेचर की वजह से पसंद या नापसंद करूँगी, ना कि तुम्हारे कपड़ों की वजह से। कोई बात नहीं भैया, आप जाओ। अरे भाई साक्षी, मेरी भी कोई पर्सनैलिटी है, तुम्हारे भैया से इन कपड़ों में बात करते मुझे भी अनकम्फर्टेबल फील होगा। और तुझे ये सब सुनने में बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, शुक्रमान की लड़की के साथ आया हूँ, वरना अपने दोस्तों के साथ होता ना तेरी वो हालत करता कि तू चलने लायक नहीं बचता। जा निकल जा अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से, सारा मूड की ऐसी की तैसी कर दी इसने। अरे तू फिर आ गया, ये लो तुम्हारी फुल ब्रांडेड शर्ट, अरमानी की है और 12,000 की, 100% ओरिजिनल है, किसी भी जगह जाके चेक करा लेना। ये तो ही हमारी औकात, और तुम्हारी औकात हम देख चुके हैं। सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है कि वो आप पे हाथ उठा देगा। इट्स ओके, मुझे ना इन सब लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो मुझे तब पड़ता जब मैं तुम्हारी शादी इस इंसान से करवा देता और फिर तुम्हें ज़िंदगी भर इसे झेलना पड़ता। वेट वेट वेट, ये भैया ये सब क्या चल रहा था? हम ना तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे जिसमें कि तुम पूरी तरह फेल हो चुकी हो। हाँ ये मेरे भैया हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मम्मी पापा के जाने के बाद ना इन्होंने ही मुझे बहुत नाजो और प्यार से पाला है, और इसलिए ये भी यही चाहते थे कि मेरी लाइफ में कोई लड़का आए तो वो मुझे नाजो और प्यार से रखे, इसलिए हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। ऊपर से तो हर इंसान अच्छा बन जाता है, पर दिल से तुम कितने घटिया इंसान हो ना, ये मुझे आज पता लग गया। तुम्हें गरीबों की इज्जत करनी नहीं आती तो तुम्हें क्या ही आता होगा, और क्या तुम मुझे प्यार से रखोगे? और तुम एक चाय गिरने पे किसी गरीब पे हाथ भी उठा सकते हो, और मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो एक मिनट नहीं रह सकती। और हाँ रही बात औकात की, तो हम जिस रेस्टोरेंट में जाते थे ना, वो रेस्टोरेंट मेरे भैया का ही है, आई समझ? तो तुम्हें पता लग ही गया होगा किसकी कितनी औकात है। अब निकल यहाँ से। और जब तुम किसी गरीब पे हाथ उठा सकते हो ना, तो भगवान ही जाने कि तुम मेरी बहन के साथ क्या करते। तुम मेरी बहन को तो क्या, किसी की भी बहन को डिजर्व नहीं करते।
क्योंकि तुम जैसे लोग पैसे से तो अमीर बन सकते हैं, दिख सकते हैं, लेकिन यू आर वेरी पुअर फ्रॉम योर हार्ट। नाउ गेट आउट, गो। सॉरी, गेट आउट, गेट आउट। कल ना